हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो गई सुबह और सुबह हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, तो अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं। तो मैं भी यहाँ का लोकेशन भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मैं और मम्मी हूँ। तो मुझे मेरे एसी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से सुबह सुबह ही मुझे जाना पड़ेगा मार्केट, और निकल रहे हम लोग फ्लिप से बाहर। तो हम लोगों को लेना है एसी के लिए, देखो तो बाहर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें मुझे कवर करवाना है इस वजह से, क्योंकि वो छत के इनर साइड में लगा हुआ है, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो घर तो आ गए हैं और लगेज जो है वो भी आ ही चुका है, तो कुछ वेट करते, बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो ब्रेकफास्ट आज घर पे नहीं बनेगा, तो बाहर से ही जो है खाने का सामान लिया जा रहा है। वो डेकोलम जिसको मुझे एसी जिससे मुझे एसी को कवर करना है, और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो भी हम लोग बाहर से ही ले रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 9:30, मतलब कि 10 बजने वाले हैं, तो मेरा थोड़ा कुछ भी काम नहीं हुआ है, और आज लगता है कि मुझे लंच जो है वो देर से बनाना पड़ेगा। मोस्टली मैं जो लंच है वो ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी बना लेती हूँ, और लंच का टाइम एक उसको गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही मुझे हमेशा बाहर जाना पड़ता है, मैं ट्यूशन्स रहते हैं या कुछ भी, तो सब कुछ ले देकर ही चलना पड़ता है। फिलहाल मैं लिफ्ट पे हूँ, तो लिफ्ट जो है वैसे ऊपर जा रही है, और धीरे धीरे मेरा जो गला है वो ठीक हो रहा है, तो मैं बातें भी कर पा रही हूँ, तो थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि जब आवाज़ नहीं निकलती तो ऐसा फील होता है जैसे कि पूरी दुनिया गायब हो गई हो। बस आ ही चुके हैं, कर रही हूँ घर पे।
और आज अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी, तो बहुत ही ज़्यादा अजब लग रहा था क्योंकि इतनी सुबह भी मैं बहुत जल्दी अपने फेस को नहीं शो करती, मोस्टली होता भी है तो ब्रेकफास्ट या लंच का ही शो करती हूँ। चलिए पहले मैं पाँव धो लूँ क्योंकि ऐसे घर पे नहीं कर सकते। क्यों घर पर चलूँगी मैं पूरा काम करूँगी, मेरे घर का पूरे घर की जो हालत है वो एकदम डामाडोल हो चुकी है। मम्मी जाएगी सब्जी लाने के लिए। मैंने भी काम नहीं किया। क्या करा, घर में पोछा लगाया, घर में झाड़ू लगाया, हाँ। और अभी आप देख सकते हो ये है मेरे किचन की हालत। तो कुछ टाइम से हम लोग तुलसी वाली चाय पी रहे हैं, तो तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो ये रही तुलसी के पत्ते, इसकी हम लोग चाय पी रहे हैं, तो गले में बहुत ज़्यादा इसे और रिलैक्स फील हो रहा था। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद, कम से कम घर का थोड़ा काम तो कर लूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने चेंज कर लिया और फिर से हवा लगने से गले में मुझे खराश खराश सी फील हो रही थी, तो मुझे लगा चाय पीना चाहिए, तो मैं ऐसी कटोरी में अभी चाय पी रही हूँ, तो आप देख सकते हो। और ये तुलसी वाली चाय है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी टेस्ट और स्मेल जो अच्छी लगती है, तो मैंने अभी फेस को क्लीन भी नहीं करा, पहले मुझे अपनी चाय पीनी चाहिए, तो मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद करूँगी आगे का काम, तो मुझे किचन क्लीन करना है, गैस क्लीन करना है, तो ये सब समझा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद चाय पीने के लिए। तब टाइम हो गया, हम लोग आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। इधर पे जो है ना भैंस है, मतलब कि पूरी भैंस का खटाल से बोलते हैं, यहाँ पे दो अवेलेबल होता है, पहले इसी मोहल्ले में पहले हुए थे, तो यहाँ पर बड़े हुए हैं हम लोग इसी इलाके में। तो ये है श्री रामकृष्ण अपार्टमेंट, तो ये फ्लैट है, तो थोड़ा छोटा है, तो हम लोग इससे ये नहीं बुक करवा रहे थे। और और क्या, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा नज़दीक, थोड़ा स्टेशन के और नज़दीक आ जाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये रहा वो फ्लैट जो कि अभी भी बन ही रहा है, तो समझ रहे हैं प्लानिंग है और सब कुछ, थोड़ा बजट भी देखना पड़ता है। और रास्ता मोदी भी ऊपर ओ हिंदी बोलिए ना, हिंदी बोलना। आपका घर इधर गली में ना, सरदा देवी के गली में ना, वो मानी कर। अच्छा सर ठीक है, चलो नो तो मम्मी से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो हिंदी भाषा भाषी है और हम लोग आ गए हैं घर, तो फाइनली मतलब क्या सारा दिन ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, छोटे मोटे से ही पर मतलब कि आना जाना पड़ा, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, इंतजार कर रहे हैं लिफ्ट का। तो हाँ तो ठीक है, तो वहाँ का माल तो प्रूफ रहेगा ना, अगर हम कोई भी हॉलमार्क का मटेरियल लेते हैं या बेचते हैं, और हम लोग अगर किसी किसी चंद्रा या कहीं से लेते हैं, तो वो लोग उसका मेकिंग चार्ज वो लोग छोड़ देते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग फिर क्यों नॉर्मल शॉप में जाए जबकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रसीद है। तो इसी बारे में थोड़ी डिस्कशंस चल रही थी मम्मी से अबाउट
गुड। तो और हम लोग आ गए हैं हमारे फ्लोर पे। जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है। हम लोग आ गए हैं घर। हो रहा है छत पे जाने का। तो कपड़े जो दिए हुए थे उनको लाना है। हो रहा है छत पे जाने का। तो कपड़े जो दिए हुए थे उनको लाना है। इसीलिए हम लोगों को एक्चुअली कवर करवाना है। तो पूरे हमारे दोनों एसी के बॉक्सेस मोस्टली ये बाहर की साइड रहता है, पर मैकेनिक ने इसको अंदर साइड में कर दिया। तो शायद मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम लोगों ने इनको कवर कर करवा देना ज़रूरी समझा। और बिग बाज़ार भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब कि बहुत ऊँचाई तक हो चुका है। तो बिग बाज़ार भी कुछ टाइम में बन ही जाएगा सारे तरफ के पाँव देने के लिए। क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है कि बाहर जाने के बाद हम लोग पूरी तरह से हाथ और पाँव को क्लीन कर लेते हैं। तो नीचे जो है वो पानी गिर रहा है, पाँव धो रही हूँ। हो गया जा रही। तो ये सब कपड़े हैं जो कि मुझे छत से लाने थे, तो मैंने ले आए हैं। तो कर लिया है। और मैं गई थी मेरे इस गले के सेट को, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसको मुझे चेंज करके न्यू डिज़ाइन लेना है। तो ये हॉलमार्क है। आप लोगों से लंच करने के बाद या फिर शाम को, गुड इवनिंग हो गई है शाम। और शाम को हमारे घर पर कमेंट कर रहा था, मतलब कि रात, तो आलू के पराठे खाए। तो इसके लिए मैं आज थोड़ा बिजी थी शाम को, और मैंने ऐसे एक ग्रेवी रेडी कर लिया है, आलू की एक ग्रेवी है। और मैंने कुछ पराठे ऑलमोस्ट बना लिए हैं। तो इधर पे मेरी आज डिनर की तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हो इधर कैसे किचन थोड़ा मेरा गंदा पड़ा है। और ऐसे ऐसे करके हम लोग आज आलू के पराठे खाएंगे चाय के साथ या फिर सॉस के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मोस्टली ठंडी आने पे, वैसे तो ठंडी वेस्ट बंगाल में बहुत कम रहती है, पर जब भी रहती है हम लोग सब बहुत इन्जॉय लेते हैं, मज़ा लेते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो वैराइटीज़ जो खाने की होती है बहुत हम लोग उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि ठंडी में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं मार्केट्स में और बहुत ही फ्रेश होती है। तो शुरुआत हो गई आलू के पराठे से, यानी कि ठंडी आ गई बंगाल में।